हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं हूं आकाश पांडे और आप देख रहे हैं यूनिक सिविल एनी, मेक योरसेल्फ यूनिक। दोस्तों, आप सबकी एक क्वेरीज थी कि सर हम लोग कोर डोमेन में काम तो मिल गया है बट सैलरी इतनी कम है कि उसमें लाइफ को सर्वाइव करना बड़ा ही मुश्किल है। ये बात सच है क्योंकि जो भी कोर डोमेन है उसमें पैसे बहुत कम मिलते हैं, जिसकी वजह से लोगों को काम करने में प्रॉब्लम आती है इस डोमेन में। लेकिन अगर आप सच में काम सीख रहे हो, सपोज आप BIM या स्ट्रक्चर में काम कर रहे हो और आपने BIM का काम अच्छी तरीके से सीख लिया है, मीन्स आपने 3D मॉडलिंग, 4D, 5D अच्छे से सीख रखा है, अब आप क्या कर सकते हो, आप अपना खुद का एक रेंज बना सकते हो, खुद के लोगों का एक कॉन्टेक्ट बना सकते हो। खुद का लोगों का कॉन्टेक्ट बनाना बड़ा आसान है। आप कुछ सिविल इंजीनियर से मिल लो जो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह लेते हो, कुछ आर्किटेक्ट से मिल लो और उसके बाद आप देखो आपके ही कोई दोस्त होंगे जो इस काम को कर रहे होंगे, मतलब कि अपना काम कर रहे होंगे, उनसे कॉन्टेंट बना लो। सिर्फ एक क्लाइंट चाहिए अपने को और एक क्लाइंट लेके आप उनसे अपना टैलेंट दिखाना स्टार्ट कर दो। ये आप जॉब पाने के 3 से 4 महीने बाद कर सकते हो कि 3 से 4 महीने के बाद इंसान मॉडलिंग तो बहुत अच्छे से कर ही लेता है, मॉडलिंग का कोई भी टेंशन नहीं रहता है। तो मॉडलिंग से स्टार्ट किया बिजनेस को और उसके बाद धीरे धीरे एस्टिमेशन, धीरे धीरे स्ट्रक्चर, धीरे धीरे आर्किटेक्चर, क्लाइंट बनाते चले जाओ और सेल करते चले जाओ, मीन्स उनको प्रोडक्ट सेल करते। बट जो भी प्रोडक्ट आप देना, चाहे 5 दिन लेना चाहे 10 दिन लेना, बट ऐसा देना कि उस तरह का प्रोजेक्ट कोई और दे ही ना पाए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर आपको उसने प्रोजेक्ट दिया और आपने घिसा पीटा प्रोजेक्ट उसको दिया तो वो आपके लिए लास्ट चांस रहेगा उस काम को पाने के लिए, उसके बाद वो आपको काम नहीं देगा। बट अगर आपने अच्छा से अच्छा बना के दे दिया तो अगली बार वो आपको 5 दिन एक्स्ट्रा देगा, बोलेगा भाई जैसा लास्ट टाइम बनाया था वैसा ही बना के देना। ऐसा मेरे साथ हो चुका है, इसलिए मैं आपको एकदम निजी लाइफ वाली चीज बता रहा हूँ। एक्स्ट्रा इनकम का कोई लंबी लंबी बातें नहीं सुनाने आ रहा हूँ, जस्ट एक जो मैं झेल रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ, जिसमें मुझे मजा आ रहा है, वो मैं आपको सर्वाइव जो भी कर रहा हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों आप सब क्या कर सकते हो, ब्लॉग्स की बहुत ढेर सारी कंपनियां हैं जो रैबिट पे ब्लॉग बनाती है। रैबिट फैमिली आपने पढ़ा होगा, पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक, और उन सब ब्लॉग्स के लिए आप वो चाहते हैं कि उनके लिए ब्लॉग्स आप कलेक्ट करके दो। ऐसी बहुत ढेर सारी कंपनियां हैं जो ब्लॉग्स चाहती हैं, और कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो क्या बोलते हैं, कहती हैं कि आप ब्लॉग के अकॉर्डिंग पैसे ले लो, मेरे से जैसे जैसे सेल होगा वैसे वैसे हो जाएगा। तो मैंने एक वीडियो बनाया था, आपको आई बटन पर मैं लगा दूंगा, तो उसमें बताया था 3D मॉडल को सेल कैसे करते हैं। अगर उसको आप सेल करते हो सही तरीके से और सच में क्वालिटी है आपके मॉडल में, चाहे सोफा हो चाहे बेड हो चाहे जो भी बनाया आपने, अगर क्वालिटी है तो बिकना स्टार्ट हो जाएगा और इतना बिकेगा कि आपको घर बैठे बहुत अच्छा अमाउंट आ सकता है। इसके बाद आप बोलोगे सर चलो ये दोनों तो हो गए, तीसरा क्या ऑप्शन हो सकता है? तीसरा ऑप्शन हो सकता है Fiverr.com, Upwork.com। Upwork पे बहुत से लोगों के बहुत से प्रोजेक्ट ले रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी कंपनी Upwork के भरोसे पर खोल रखी है, मीन्स वहां पे 10 से 15 लोग होते हैं, एक साथ बैठते हैं और बैठ के Upwork.com पे बिडिंग करते हैं। उसके बाद उनके पास 150 से 200 लोग होते हैं जो उस प्रोजेक्ट को करते हैं, इतना काम है Upwork पे। आप बोलोगे सर आता कैसे है काम? ये काम आता है फॉरेन कंट्री से, क्योंकि हमारे यहाँ लेबर चार्ज सस्ता है कंपेयर टू देयर प्लेस, तो वहाँ के जो कंसल्टेंट होते हैं वो क्या करते हैं, इधर से काम करवाने की कोशिश करते हैं जिससे कि कम पैसे में काम हो जाए, और वो पैसा भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा होता है। इसलिए मैं बता दूँ, एक कंपनी है, नाम नहीं डिस्क्लोज कर रहा हूँ, बट वो केवल इंटीरियर के ब्लॉक्स तैयार करती है और वो फ्रेशर्स को पैकेज देती है 3.6। आप सोच रहे होगे सर ये इस समय मार्केट में मिल रहा है? हाँ मिल रहा है। उसका मेन रीज़न क्या है? मेन रीज़न है वो Upwork से काम उठाता है और वो 3.6 देने वाले से 10 लाख का काम करवाता है, तो उसको भी प्रॉब्लम नहीं होती है, वो 3.6 दे देता है और इजिली बहुत पैसे कमाता है खुद भी। तो ये भी आपके पास एक अच्छा सोल्यूशन हो सकता था कि आप इस तरीके से करो। कुछ लोगों को राइटिंग का अगर इंटरेस्ट है, जैसे कि मैं unicsivil.com पे लिखता हूँ, तो मुझे राइटिंग का इंटरेस्ट है कि मुझे कुछ लिखना है, मैं अपने लिए कुछ बुक्स वगैरह भी लिख रहा हूँ, बट अभी टाइम है क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम का आप देख सकते हो मेरी आंखों का क्या हाल हुआ है, तो थोड़ा कम लिख पा रहा हूँ, बट मुझे लिखने का बहुत इंटरेस्ट है। मैं फेसबुक वगैरह पे कुछ ना कुछ लिखता रहता हूँ, इंस्टाग्राम पे कुछ ना कुछ लिखता रहता हूँ, कि जस्ट लिखने से क्या होता है कि लिखने से बहुत कुछ हो जाता है, कि अगर आप अच्छे कंटेंट राइटर हैं तो सिविल के डोमेन में बहुत कम होते हैं जो कंटेंट राइटर होते हैं, वहाँ पे भी आपको वर्ड के अकॉर्डिंग, जैसे कि मैंने देखा है 2 रुपये 3 रुपये वर्ड्स के अकॉर्डिंग आपको पैसे मिलते हैं। अगर आप अच्छा कंटेंट लिख सकते हो और आपके पास अपने सब्जेक्ट का अच्छा नॉलेज है
तो ये भी एक पार्ट है, मैं बड़ा अच्छा सोचते हैं। और ये तो इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे भी कर सकते हैं, जैसे कि वो थर्ड ईयर या सेकेंड ईयर में है, आप कंटेंट ले लो, कंटेंट राइटिंग का जॉब सर्च करो, उसमें देखो कि सिविल से रहे, उसे तो बहुत से टॉपिक से रिलेटेड मिल जाएंगे जिस टॉपिक पर आपको, जैसे मैं पोएट्रीज स्टोरीज लिख देता हूँ, तो आपको जिस टॉपिक से इंटरेस्ट हो उस टॉपिक का उठा सकते हैं और उठा के अच्छी इनकम सोर्स बना सकते हैं। इसके बाद एक और है जो मैं करता हूँ, ऑनलाइन क्लासेस बहुत इजी है। और अगर आपको सच में, क्योंकि आप जॉब कर रहे हो, मैंने ये सब सोच रखा है कि आप जॉब कर रहे हो, तो अगर जॉब कर रहे हो तो आप ऑलरेडी कई चीज़ें प्रैक्टिकली सीख रहे हो, तो क्यों ना हम उसको लोगों को शेयर करें, और लोगों को शेयर करने से आपका भी बहुत स्ट्रांग हो जाएगा वो पॉइंट। तो मैं तो वही करता हूँ। तो अगर ऑनलाइन आप क्लास करते हो तो कुछ नहीं करना है, 500-600 रुपये आज के टाइम में वाईफाई का लगता है, आराम से आप सेटअप करिए और क्लासेस मिलना बड़ा आसान है, क्योंकि नीड सबको है अगर आपके पास नॉलेज है। आप एक डेमो दीजिए लोगों को, और डेमो में अगर उनको पसंद आता है तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू लाइक लर्न फ्रॉम यू। और एक बार आप सिखाओगे तो जितना आप सैलरी पाते हो पूरे महीने में, वो एक घंटे में आपको मिल सकता है अगर सच में आपके पास उस डोमेन का अच्छा नॉलेज है। तो आई थिंक ये काम भी बुरा नहीं है, क्योंकि ऑफकोर्स एक घंटे में जो मिल रहा है आप पूरे दिन में वो कमा रहे हो, मुझे तो ऐसा लगता है, तो मैं डेली 2-3 घंटे तो करता ही करता हूँ। तो इस तरीके से ये 5 मेथड थे जो आप अगर एक एक करके ट्राई करोगे तो डेफिनेटली आप एक्स्ट्रा इनकम तो जनरेट कर ही पाओगे। और मैंने भी इस चीज़ को स्टार्ट किया आप लोगों के सहयोग से, मतलब कि अभी हम लोग ने, मैंने आपसे लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हम लोग लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, तो जो हमारी टीम बन रही है, अच्छी टीम बन रही है, आगे हम और बड़ी टीम बनाना चाह रहे हैं, जिससे कि हमारे पास जो भी प्रोजेक्ट आए उसको करने वाले बहुत ढेर सारे लोग रहे। जैसे में हम लोग ने प्राइमेरा पे लिए खोजा, रैबिट पे प्रोजेक्ट हुआ, स्टैट्रो पे हुआ, अभी और देखते हैं और कहां कहां से प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं। लेट्स सी, आपके पास भी कोई प्रोजेक्ट है अगर आप नहीं कर पा रहे हो, या आप चाहते हो कि हम लोग शेयर होकर करें, तो आप डेफिनेटली यहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर रहता है, आप व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लो। और अगर आपको मैनुअल डिज़ाइन सीखना है तो मैं आपको फिर से बोलूँगा, मैंने एक मैनुअल डिज़ाइन की बुक बताई थी G+3 की, डॉक्टर वीएल दास की, वो बहुत अच्छी बुक है, उससे आपको मैनुअल डिज़ाइन क्लियर हो जाएगा। मैनुअल क्लियर करने में से फ़ायदा क्या होगा, स्टैट प्रो या ईटैब्स कुछ भी एक्स्ट्रा स्टील बता रहे हैं, आपको पता चल जाएगा एक्स्ट्रा लगेगा कि नहीं लगेगा, तो इसलिए मैनुअल सीखना बहुत ज़रूरी है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, प्लस आप इसको शेयर करो यार, शेयर कम हो रहा है वीडियो। अभी मैं पीछे दिनों में देख रहा था कि मैं इंटरव्यू टिप्स बताया, लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं था ऐसा लगा मुझे। तो अगर नहीं इंटरेस्ट है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर इंटरेस्ट है और आप चाहते हो कि रेगुलर बनते रहे, तो यार करना क्या है, 5-6 व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देना, इतना करने से आपका कुछ नहीं होगा बट हमारा बहुत कुछ हो जाएगा, हम लोगों तक ज़्यादा पहुंच पाएंगे। और फेसबुक पे एक बार शेयर करोगे कई लोगों तक पहुँच जाता है, सो प्लीज़ शेयर बटन पर क्लिक करना ना भूलें अगर आप यहाँ तक आते हैं, जिससे कि इस तरीके के कंटेंट बनते रहे अपने देश में और लोगों की हेल्प होती रहे। ये चीज़ें कंटेंट कोई बताता नहीं है जो प्रैक्टिकली है, लोग हवा में पता नहीं कौन सी साइट का प्रमोशन करेंगे, बोलेंगे इस साइट पे जाओ और इस साइट पे ऐसे ऐसे करोगे पैसा कमाओगे, हमने वो किया है जो आप, मैं खुद करता हूँ। तो इस तरीके के कंटेंट आपको जेन्युइन अगर देखते रहना है और आप सच में जेन्युइन इंसान है, तो ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करिए, जिससे कि हम लोग ज़्यादा टाइम तक इस तरीके के टॉपिक्स खोज खोज के आप तक पहुँचाते रहे। प्लस आपके पास कोई क्वेरीज है तो नीचे कमेंट करिएगा, डेफिनेटली आपके ही क्वेरीज को मैं सॉल्व करता हूँ, ये आपको ही पता है, क्योंकि आप में से किसी न किसी का क्वेरीज मैं सॉल्व कर चुका हूँ और मैक्सिमम लोगों का मैं कोशिश करता हूँ हो जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।